हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ में डीजी वाई एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट लाए हैं, जिसमें बोला गया है कि एडवोकेट्स आर नॉट लायबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आज हम एक जजमेंट डिस्कस करेंगे। आज पर्टिकुलर वीडियो में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने क्या बोला इस रिगार्डिंग, इस जजमेंट के रिगार्डिंग। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट किया कि जो वकील होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, उनके द्वारा जो प्रदान की जाती हैं सेवाएँ, वो उपभोक्ता कानून में नहीं आएंगी। जो एडवोकेट्स हैं उनकी जो द्वारा सर्विसेज रेंडर होती हैं वो लायबल नहीं होंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, और कोई भी उपभोक्ता की कमी का क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा बोला गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा फैसला दिया है, क्योंकि कानून की सेवाएं जो होती हैं वो एक अलग व्यवसाय होती हैं, जिसकी तुलनात्मक अगर तरीके से उसका विस्तारण संभव नहीं है, और उसका कोई भी आप लायबल नहीं कर सकते कि बिज़नेस और ट्रेड दोनों एक ही चीज़ हैं। बिज़नेस अलग होता है, ट्रेड अलग होता है। इसी को बहुत अच्छे से समझाया गया और बोला गया कि कोई भी वकील अगर अपनी सर्विसेज, मतलब अपना जो सेवाएं अगर प्रदान करता है, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब उपभोक्ता वाले मामले में नहीं आएगा, और ऐसा मानना है उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का। और ये एक लैंडमार्क जजमेंट बन जाएगा और एक इम्पॉर्टेंट फैसला है, एक अहम फैसला है हम सब लोगों के लिए। ये कहा गया, जो आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है, बार ऑफ इंडिया लॉयर डीके गांधी, आई रिपीट, कौन से केस में ऐसा बोला गया, बार ऑफ इंडिया लॉयर डीके गांधी वर्सेस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड अदर्स। तो ऐसा मानना है बार ऑफ इंडिया लॉयर डीके गांधी वर्सेस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस का, कि जो अधिवक्ता हैं वो नहीं अब लायबल होंगे, उनकी सेवाओं का जो दायरा है वो अब उपभोक्ता वाले कानून में नहीं आएगा, और वो जो भी ऐसा अगर होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला किया है कि ऐसा अब नहीं माना जाएगा। ये एक बड़ा अहम फैसला है, जो हमें जानने के लिए और समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड आप पुरानी वीडियोस भी देखिएगा हमारे चैनल पर, जिसमें आपको बहुत सारी लीगल अपडेट्स मिलेंगी। इसके अलावा अगर किसी को लीगल कोचिंग ज़रूरत है जुडिशरी एस्पेक्ट से, इंग्लिश या हिंदी में बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, गूगल मीट पे आपकी क्लासेस होंगी, आप हमें संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप हमसे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रेंडर कर दी जाएंगी आपकी जो भी क्वेरी है। ठीक है, तो ये एक अहम फैसला था, जो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और पुरानी वीडियोस में आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एविडेंस एक्ट, CRPC, न्यू क्रिमिनल लॉज जो आने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर, वकील, लॉयर, एडवोकेट में क्या डिफरेंस होता है, बहुत लोगों को यही नहीं पता होता, और बहुत सारे लीगल अपडेट्स, वैकेंसी से रिलेटेड, कोई भी एग्ज़ाम होने वाला होता है उससे लीगल अपडेट, और बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पसंद कीजिएगा, अगर आपको कुछ सुझाव देने हो तो वो भी आप दे सकते हैं। एंड कोई भी अगर वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल पर वॉलंटरी, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच for liking, sharing and subscribing.